तो दोस्तों आज इस शनिवार आपने जो अच्छे से कुछ दिन पूछा है उनका आंसर आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो इसलिए इंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो इसलिए इंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। और यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछते हैं अंशु एक्स ओपी पूछते हैं कि भाई मेरे चैनल पर कभी व्यूज आते हैं कभी नहीं आते हैं, क्यों? तो मैंने आपके चैनल पर विजिट किया है, आपके चैनल पर 900 प्लस सब्सक्राइबर है और सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से आपके व्यूज अच्छा आ रहा है। तो भाई सबके ऐसा ही आते हैं, सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से आपको काफी अच्छा व्यूज आ रहे हैं, तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है, वीडियो अपलोड करते रहना है, व्यूज अच्छा आ रहे हैं आपको, बस आप हार मत मानिए कि मुझे व्यूज कम आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज अच्छा आ रहा है, बस आपको लगता है कि मेरा व्यूज नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं बीके विष्णु, आप कौन सा वैक्सीन लिए हैं जो अभी सरकार दे रहा है, बहुत साइड इफेक्ट है क्या? तो मैंने अभी फर्स्ट डोज वाला वैक्सीन ले लिया है और वो सरकार देते हैं और इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं मिस्टर विशाल टेक, भाई मैं मान लो कि चैनल मोनिटाइज के पहले किसी टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ, चैनल मोनिटाइज होने के बाद क्या उस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बना सकते हैं या नहीं? तो आप बना सकते हैं, आप चैनल मोनिटाइज हो या फिर नहीं आप बना सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि जो आप एक ही टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो तो जो वीडियो में अंदर होने वाला है वही सेम मत बताओ। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को भी देखोगे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए, ये सारे टॉपिक पर वीडियो बनाते ही रहता है, लेकिन अंदर उसका कंटेंट जो है वो फ़र्क रहता है। तो आप कोई भी एक टॉपिक पर कई सारे वीडियो बना सकते हो, बस अंदर जो है अलग होना चाहिए। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं रॉयल ब्रदर 007, भाई क्या आप हम जैसे छोटे यूट्यूबर का हेल्प करोगे? तो भाई करता आ रहा हूँ मैं, आप सबके लिए प्रमोशन भी करता हूँ, अगर आपको पता नहीं है प्रमोशन कैसे करता हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। एंड आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि आपके चैनल को मैं कैसे प्रमोट करता हूँ। आपको मेरे हर एक वीडियो में एक कोड मिल जाएगा, उस कोड को आपको फर्स्ट में कमेंट कर देना है, अगर आप फर्स्ट में कोड कमेंट कर देते हैं तो मैं आपके चैनल को प्रमोट कर दूंगा, लेकिन आपको जो विनर होता है उसको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं अंशु एक्स ओपी, गेमिंग चैनल के बारे में कुछ टिप्स दे दो ब्रो। तो गेमिंग चैनल में अगर ग्रो करना है तो आजकल गेमिंग में जो है वॉइस ओवर बहुत ही अच्छा चल रहा है, और जो वॉइस ओवर करते हैं गेमिंग में तो उसका चैनल जो है रॉकेट की तरह उड़ रहा है। तो अगर आपको भी अपने चैनल को रॉकेट की तरह उड़ाना है तो वॉइस ओवर करिए या फिर फनी मोमेंट कुछ बोलिए अपने गेमिंग वाली वीडियो में, आप फनी मोमेंट आप बोलिए, फनी फनी चीज़ें बोलिए अपने वीडियो में, अच्छा आपका चैनल चलने लगेगा। ज़्यादातर जो है गेमिंग चैनल इसी से रिलेटेड जो है जो बनाते हैं तो उसका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं शिवम प्रेमी इंटरटेनमेंट, भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है तो कंटेंट को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो ऑटोमेटिक से तरीके। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं शिवम प्रेमी इंटरटेनमेंट्स, भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा जब आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करोगे, कंटेंट को इम्प्रूव करो, लेकिन हर कोई यही कहता है कि मैं अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से बनाता हूँ, तो बढ़िया है बनाते हो, लेकिन जो ऑडियंस को पसंद आए उस तरीके से बनाए कि जो कोई भी आपके वीडियो देखे तो आपको सब्सक्राइब कर ही ले। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं राजू भाई 2M ब्रदर, मेरे चैनल में कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया है, 7 दिन के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ मेरे चैनल का नाम ले लेना प्लीज़ राजू भाई 2M। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं मैथमेटिक चैनल में, क्या दूसरे का चैनल का नेम के हैशटैग अपने चैनल पर यूज कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हो, जब आप अपने चैनल को मोनिटाइज के लिए अप्लाई करोगे तो उस समय आपको एडिट कर देना है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि आप जो है मेटा डाटा प्रॉब्लम कर रहे हो, तो इसीलिए आपको एडिट कर देना है। शुरू में आप कर सकते हैं, अगर आपका चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं, आपका चैनल ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते ही है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं मेयर की वीडियोज, आपका चैनल मोनिटाइज है कि नहीं? तो नहीं भाई, मेरा तो अभी 975 सब्सक्राइबर है, जल्दी से 25 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, 1K हो जाएगा, आप सबके प्यार की वजह से जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं सुजल कुमार, हाउ टू क्लेम यूट्यूब बोनस विदाउट चैनल मोनिटाइजेशन, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। मैंने तो इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जब आपको बोनस मिल जाएगा वहीं पर आपको क्लेम का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो क्लेम पर क्लिक करके आप बोनस क्लेम कर सकते हो, लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको एडसेंस अकाउंट ज्वाइन करना पड़ेगा, एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं सनाउल्ला राइन, वीडियो कब से डाल रहे हो? तो मैं 20 दिसंबर 2020 से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं 1.6K सब्सक्राइब ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से ढूंढे? तो YouTube पर जाइए और यहाँ पर टर्न इन इनकॉग्निटो ऑन कर लीजिए, और आपका जो भी कीवर्ड है आप वहाँ पर एक बार सर्च कर लीजिए
और वहाँ पर जितने सारे आपको कीवर्ड दिखेगा वो सारे के सारे यूट्यूब पर अभी ट्रेंड कर रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में और उस पर आप जो है वीडियो भी बना सकते हो उस टॉपिक पर। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं, सेवेंटो भाव टेक टोटल YT अर्निंग, तो अभी चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है तो अर्निंग कहाँ से होगा भाई। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं, एक और सवाल पूछते हैं अंशु XOP, भाई मेरा चैनल चेक करो, तो आज लाइव आऊँगा तो आप लाइव में ज्वाइन हो जाइएगा, शाम को 7 बजे आऊँगा तो आप ज्वाइन होइए, मैं आपके चैनल को चेक कर दूँगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं जामिया मफलिहात, अगर 1 साल में 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो पर चैनल मोनिटाइज हो, तो आपके कहने का मतलब यह है कि 1 साल के अंदर अगर हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते हैं, 4K आवर का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होते, तो फिर क्या हमारा चैनल मोनिटाइज होगा या फिर नहीं होगा? तो आपका चैनल बिल्कुल मोनिटाइज होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि जो 1 साल में 365 डेज होता है तो आपको 365 डेज के अंदर में आपको ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, ना कि आपको 1 साल के अंदर। लेकिन आप सब आप सोचोगे कि 365 तो 1 साल ही होते हैं, तो हाँ होते हैं। YouTube का कहने का मतलब ये है कि 365 दिन में आपको जितने सारे वॉच टाइम सब्सक्राइबर आए हैं वो सारे के सारे हम जो है आपके मोनिटाइजेशन वाले टाइम में हम काउंट करने वाले हैं, लेकिन 366 डेज हो जाते हैं अगर, तो जो 1 डेज भरते हैं तो उसका जो है उसका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर भी काउंट होता है, लेकिन पुराना वाला जो 1 दिन होता है उसको जो है YouTube हटा देता है। कहने का मतलब ये है कि आपका चैनल कितना भी पुराना हो, बस उस पर जो है 365 डेज में जितने सारे सब्सक्राइबर वॉच टाइम आए आपके चैनल पर वो सारे के सारे क्राइटेरिया आपको जो है मोनिटाइजेशन वाले टैब में आपको जुड़ेगा ऐड होगा और आपका चैनल मोनिटाइज भी हो। तो बस आज की Q&A वीडियो में बस इतना ही सवाल थे, तो मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और यूट्यूब चैनल टेक्निकल देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान अपना एंड लव यू ऑल। और आज का कोड है 862।